शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे विधानसभा के लिए नामांकन भर दिया है। महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है। वे अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। आदित्य ठाकरे शिवसेना के संगठन युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 77 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ साथ चुनाव लड़ रही है छगन भुजबल येवला, जयंत पाटिल इस्लामपुर और अजीत पवार बारामती से चुनावी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने डॉन छोटा राजन के भाई को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक निखलजे को सतारा की फल्टन सीट से टिकट दिया गया है। वहीं रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई एनडीए का प्रमुख सहयोगी दल है। महाराष्ट्र में भी यह गठबंधन का हिस्सा है। हरियाणा ने बीजेपी में विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गुरुग्राम के विधायक का टिकट काटा गया है। लिस्ट के मुताबिक पानीपत शहर के विधायक का टिकट भी काटा गया है। वहीं गुरुग्राम के उमेश अग्रवाल की जगह सुधीर सिंगला, पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी की जगह प्रमोद विज, वहीं रेवाड़ी से रणधीर कापड़ीवास की जगह सुनील मुसेपुर और कोसली से विक्रम यादव की जगह लक्ष्मण यादव को टिकट मिला है। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने 90 सीटों में से 84 पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मौजूदा 17 विधायकों में से 16 को टिकट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से, वहीं रणदीप सुरजेवाला को कैथल, कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर और तोशाम से किरण चौधरी को टिकट दिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के दोनों बेटों को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। टिकट कटने के बाद समालखा के विधायक रविंद्र मछरौली और ग्रामीण सीट से दावेदार जताने वाले धारा सिंह रावल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। ये दोनों नेता सीएम मनोहर लाल का नामांकन भरवाने नहीं गए। इतना ही नहीं, जनसभा में विधायक मछरौली तो भावुक होकर रो पड़े। इंडियन नेशनल लोकदल ने विधानसभा चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनेलो महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला एक बार फिर से इसी सीट पर किस्मत आजमाएंगे। वहीं डबोवाली से विधायक और अजय चौटाला की पत्नी के खिलाफ इनेलो ने पूर्व विधायक सीताराम को टिकट दिया है। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह बेटे के लिए टिकट मांगने की बजाय मनेठी एम्स के मुद्दे पर इस्तीफा देते तो सही रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, इसलिए बेटा चिरजीव रेवाड़ी विधानसभा चुनाव से लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि राव इंद्रजीत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आज वैष्णो देवी कटरा के लिए चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। अमित शाह के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और कई मंत्रियों के साथ वंदे मातरम एक्सप्रेस पर मौजूद थे। वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का तकरीबन 4 घंटे का समय बचेगा। द
अगर वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में काम कर रहे पूरे रेल विभाग के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने जम्मू कश्मीर को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। वहीं 2014 के में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सभी यात्रा स्थानों तक सभी यात्री सुगमता और सरलता से पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कहा कि आज जो हाई स्पीड वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी, इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाली यात्रियों की सुविधा के लिए होने जा रही है। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रेल विभाग के सामने एक कल्पना रखी थी कि धीरे धीरे हाई स्पीड ट्रेन का भारत में एक जाल बिछाया जाए। वंदे भारत ट्रेन में 16 डिब्बे हैं जिसमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं। हर चेयर कार कोच को 78 कुर्सियां हैं। ट्रेन में 1100 यात्री सवार हो सकते हैं जिसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है और 5 अक्टूबर से ये ट्रेन रोजाना दिल्ली से कटरा और कटरा से नई दिल्ली के लिए दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को दिल्ली से कटरा लेकर पहुंच जाएगी। दूसरी ट्रेनों में नई दिल्ली से कटरा तक का सफर 12 घंटे में तय किया जाता है। वहीं वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से कटरा के लिए चेयरकार क्लास में 1630 रुपए जबकि एग्जीक्यूटिव चेयरकार का 3015 रुपए लगेगा। इधर INX मीडिया केस में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदम्बरम फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की है क्योंकि अगले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तान के आतंकी संगठन नवरात्र और दशहरे जैसे त्योहार में राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश के 4 आतंकी दिल्ली में घुस आए और ये सभी हथियारों से लैस हैं। जैश के आतंकी त्योहारों के दौरान दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। वही खतरे को देखते हुए खुफिया विभाग ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर जारी कर दिया है जिसके बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली में घुसे ये 4 आतंकी भीड़भाड़ वाली जगह बाजार मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थानों को अपना निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं हमला करने के लिए आतंकी साइकिल बाइक या फिर कार का इस्तेमाल कर सकती है। अलर्ट में बताया गया है कि आतंकी हमले के लिए पुलिस की गाड़ी को भी उपयोग में लाया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए पटना, वैशाली, खगड़िया और बेगूसराय जिलों में भारी बारिश संबंधी अलर्ट जारी किया है। बिहार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना में बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पटना के सभी स्कूल 4 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ बारिश के बाद अब जलजमाव भरे इलाकों में महामारी की आशंका बताई जा रही है। पटना में बीजेपी विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला रामपुर नहर के पास का है जहां पर विधायक अरुण कुमार सिन्हा जल जमाव से पीड़ित लोगों का हाल चाल जानने पहुंचे थे जिनका लोगों ने जमकर विरोध किया। उनकी गाड़ी को जाने नहीं दिया गया। प्रशासन की मदद से उनकी गाड़ी किसी तरह से निकाली गई। संभल में यातायात नियमों का पालन करने वालों को पत्रकारों ने गुलाब का फल देकर फूल देकर सम्मानित किया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने मीडिया के सहयोग से आम जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। बाइक और गाड़ी ड्राइवरों को यातायात नियमों का पत्रकारों ने पाठ पढ़ाया है। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने पत्रकारों का सहारा लिया।
बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी मॉडल टाउन में हो रही रामलीला में भगवान परशुराम की भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान राम की कहानियों को लोकप्रिय बनाने के लिए रामलीला का हिस्सा बनना खुशी की बात है। मैं भगवान परशुराम का किरदार निभा रहा हूँ, वो अन्यायी राजाओं से लड़े थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पर काम करने वाले एक नौकर ने उनके मुंबई स्थित आवास से चोरी की थी, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की एफआईआर मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। पीयूष गोयल के घर से उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी युवक के पास से बरामद हुए हैं। हरियाणा के चौहाना अनाज मंडी में मजदूरों ने हड़ताल किया, मजदूरी पूरी ना मिलने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने नाराज होकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और गुस्सा भी जाहिर किया है। वहीं मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जांच के आधार पर मामले में कार्यवाही की बात कही है। हरियाणा के चौहाना से एक हफ्ते से गायब शख्स का शव नहर से बरामद हुआ है। गांव वालों ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, साथ ही लोगों ने इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में दो बच्चों की हत्या के विरोध में हरियाणा के टोहाना में भी प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। रुड़की के मेन बाजार में जूस कॉर्नर पर मिलावटी जूस देने पर हंगामा हो गया। दुकानदार को ग्राहक ने जूस में केमिकल मिलाते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। यूपी के बरेली में अशोका फार्म की अशोका मल्टीप्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हाथरस के सरकारी स्कूल में गांधी जयंती के मौके पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, तभी हाइपरटेंशन पावर लाइन का एक तार स्कूल कैंपस में ही गिर गया। गनीमत रही कि यह तार वहां मौजूद बच्चों और शिक्षकों के ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यूपी के बिजनौर में हनुमान मूर्ति को स्थापित करने के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी की है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बीच चौराहे पर एक नाबालिग लड़के को ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़ाकर पीटा गया। लोगों का आरोप है कि नाबालिग मोबाइल फोन चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर की उसी के कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। इधर कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी सरकार ने अब पाकिस्तान में बिजली के दामों में भी इजाफा कर दिया है। इमरान खान सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए बिजली के दाम बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाला है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सरकार ने बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था, साथ ही कार कंपनियों ने भी कीमतें 1,00,000 पाकिस्तानी रुपये तक बढ़ा दी है।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया है। भारत ने फ्रांस में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के कार्यक्रम की रद्द करवा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारत ने फ्रांस के संसद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के इवेंट को प्रतिबंधित करवा दिया। हैदराबाद के निजाम के खजाने पर इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने हैदराबाद निजाम के भारी भरकम खजाने पर पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इन 306 अरब रुपए पर भारत का अधिकार है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिंध प्रांत में हुई हिंदू छात्रा की रहस्यमयी मौत की न्यायिक जांच कर शुरू कर दी है। उधर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बीवी आसिफा जेंटर कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रही छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता निम्रता चांदनी को उसकी सहेली ने 16 सितंबर को मृत पड़ा देखा था। उस दौरान उसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। चांदनी के परिवार ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद सिंध के हाई कोर्ट में चांदनी की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। हांगकांग में स्कूली छात्र को आंदोलन के दौरान गोली मारे जाने की वारदात के खिलाफ हांगकांग में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, स्कूली छात्र, युवा और बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं। विरोध मार्च किया गया। ये लोग सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए मेन इंडस्ट्रियल एरिया तक आए। दरअसल मंगलवार को फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया था, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अफगानिस्तान के बाल्ख प्रांत में पुलिस हेडक्वार्टर पर हथियारबंद कुछ तालिबानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 11 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। साथ ही आतंकियों ने करीब 12 पुलिस वालों को बंदी बना लिया है। साथ ही मुख्यालय में आग भी लगा दी। खबरों के मुताबिक बाइक पर सवार करीब 400 तालिबानी आतंकियों के हमला करने की कोशिश की गई थी। वहीं प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मुनीर फरहाद के मुताबिक मुख्यालय पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद तालिबानियों ने वहां आग लगा दी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर एक महिला पत्रकार ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला पत्रकार का दावा है कि यूके के नए पीएम ने 1999 में उनके साथ यौन शोषण किया। हालांकि ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री के रूप के कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में बोरिस जॉनसन को पहले ही दिन इस तरह के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है। परेशानी में चल रहे इंडिया बुल्स समूह में निजी और सरकारी बैंकों का करीब 27,580 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ये कर्ज और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के रूप में है। वहीं इंडिया बुल्स के प्रमोटर वित्तीय अनियमितता और आरोपों का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा भारतीय स्टेट बैंक का है, जिससे 8,100 करोड़ रुपए का दाव है। शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। सुबह कारोबार की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 227 अंकों की गिरावट के साथ 38,032 पर खुला और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,280 से भी नीचे चला गया। हालांकि संकट में चल रहे ये यस बैंक के शेयर भाव में 23% का उछाल भी देखा गया। एमपीसी 3 दिन की बैठक के बाद यहां 4 अक्टूबर को चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा की घोषणा करेगी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर अवकाश के कारण समिति की बैठक नहीं हुई। गवर्नर पहले से ही यह संकेत दे चुके थे कि मुद्रास्फीति में नरमी को देखते हुए मौद्रिक नीति में नरमी की गुंजाइश बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल के दाम में आई नरमी के बाद पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला विशाखापट्टनम के स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया क्रीज पर टिकी हुई है। हालात को देखते हुए भारत आज पूरे दिन बल्लेबाजी करके आज शाम तक अपनी पारी घोषित कर सकता है। भारत इस समय पहले टेस्ट में मजबूत दिखाई दे रहा है। रोहित और मयंक के शतक के बाद भारत ने मुकाबले में अच्छी पकड़ बना ली है, पर अपने दोहरे शतक से रोहित शर्मा चूक गए। रोहित 176 रन बनाकर आउट हो गए। छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक बार फिर पदक की दावेदार होंगी। मेरी कॉम का करियर शानदार रहा है, लेकिन वह 51 किलोग्राम वर्ग में विश्व खिताब नहीं जीत पाई है और रूस के शहर में वह इस खिताब को भी अपनी झोली में डालना चाहेंगी। भारतीय धावक अविनाश साबले दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टिपल चेंज स्पर्धा के फाइनल में पहुंचेंगे। वहीं कामयाब रहे साबले हिट 3 में 8 मिनट 25 सेकंड का समय निकालते हुए सातवें स्थान पर रहे और शुरुआत में उन्हें फाइनल में जगह नहीं दी गई, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की अपील के बाद उन्हें फाइनल में शामिल किया गया है। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पीवी सिंधु ने कहा कि वो मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अपने करियर में और ज्यादा उपलब्धि हासिल करना चाहती हैं। सिंधु को कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां वो अपने परिवार के साथ पहुंची थी। गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है।